विशेष सूचना, आप जितने भी देश और विदेश में मेरे शिष्य हैं, 31 जुलाई 2015 को आप सभी सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक मैं आपके लिए जोधपुर कार्यालय में 02915190000 इस टेलीफोन नंबर पर मौजूद रहूंगा। आप अपने ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु, किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन कॉल्स तो बहुत आएंगे, जितने मेरी सामर्थ्य है कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन कॉल्स को लिया जा सके। तो आप सभी मुझे कॉल करिए, गुरु और शिष्य की परंपरा को हम एक पल और आगे बढ़ाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000। श्रावण मास में संपन्न करें शिव कुबेर साधना। यदि आपके घर में क्लेश, दाम्पत्य जीवन में कटुता, तनाव, परेशानियां, साथ ही व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ व्यापार में हानि या फिर तंत्र बाधा के जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। इस विशेष मास में आप परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी द्वारा विशेष रूप से मंत्र सिद्ध शिव कुबेर साधना द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साधना पूजन पैकेट में आप पाएंगे शिव कुबेर यंत्र, शिव कुबेर कलश, शिव तांत्रोक्त गुटिका, शिव रूपेण मणिया, शिव रूपेण माला व अष्टगंध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 9314728165। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे नवीन दर्शकों, पिछली बार मैंने श्रावण मास पर विशेष रूप से शिव महिमा, आप सभी के राशि के अनुसार कौन सा अभिषेक और कौन से रुद्राक्ष आपको धारण करने का महत्व के साथ साथ शिव कुबेर साधना के महत्व के बारे में बताया था। साथ ही शिव कुबेर साधना के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी हासिल की और लोगों ने इसके बारे में बहुत संपर्क भी किया है और इस साधना को करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग, विशेष प्रयोग बताने जा रहा हूं जिन्हें करने से देवादिदेव महादेव शिव, भोलेनाथ शिव प्रसन्न होकर आप सभी को आशीर्वाद अवश्य देंगे। मनोकामना की पूर्ति हेतु आप सभी की कोई भी मनोकामना हो सकती है, तो श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा कक्ष में बैठें, थाली पर कुमकुम से त्रिशूल बनाएं और उस पर मंत्र चैतन्य युक्त चांदी निर्मित बिल्व पत्र स्थापित करें। उसका पूजन अष्टगंध से करें तथा घी का दीपक लगाकर उसको देखते हुए भगवान शिव का ध्यान करें और इस मंत्र का जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नियमित 11 दिन तक 21 बार जाप अवश्य करिए। ओम मम महादेवाय मनोवांछित सिद्धये ओम नमः। 11 दिन पश्चात मंत्र जाप पूर्ण हो जाने के बाद बिल्व पत्र को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। दूसरा प्रयोग, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जितने भी शिव भक्त हैं, अब हर इंसान अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार शिव का पूजन करता है। जो शिव से प्रेम करते हैं, जो डरते नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन अपने पूजन कक्ष में लाल वस्त्र का आसन बिछाकर किसी पात्र में लाल पुष्प रखकर मंत्र सिद्ध पंचमुखी रुद्राक्ष को स्थापित करें, घी का दीपक जलाकर पंचमुखी रुद्राक्ष का पूजन करें तथा जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं इसका 21 बार 11 दिन तक नित्य जाप करना है। मुश्किल से 4-5 मिनट का आपका काम है। ओम रम रुद्राय शिवाय सर्व भद्राय ओम नमः। मंत्र 11 दिन पूरे पढ़ने के बाद इस रुद्राक्ष को धारण कर लें और सवा माह बाद उसे किसी शिव मंदिर में वापस चढ़ा कर आ जाए। तीसरा प्रयोग, यदि आप सौंदर्यवान बनना चाहते हो, कौन नहीं चाहता बताइए, हर इंसान चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी हैंडसम हो, वो महिला खूबसूरत दिखे, आकर्षक दिखे। इसका अर्थ नहीं वो किसी को मोहित करना चाहती है, बट अगर उससे कोई लोग देख रहे हैं तो उसके वस्त्र अच्छे दिखने चाहिए, उसका चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, उसके हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उसकी चाल ढाल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको ईश्वर कृपा नहीं मिली और कुछ ऐसी प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी बन गई बेडोल। कई तो ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर को बेडोल बनाने में ही लगे रहते हैं। ईश्वर ने आपको वरदान दिया है, यह मनुष्य जीवन दिया है और यह इतना सुंदर शरीर दिया है, उसे बेडोल मत बनाइए। साथ में ऐसे कई लोग हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम दे दी है, जो दिखते अच्छे नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि भाई यह सब कुछ क्षण भंगुर है। किसी भी व्यक्ति को यह गुरूर नहीं होना चाहिए कि वो बहुत खूबसूरत है, कल क्या हो सकता है पता नहीं है। इसलिए अपनी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ो और लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। हर किसी का सपना होता है कि वह सबसे सुंदर दिखे और लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करें, पर वह लाख प्रयत्न करने के बाद भी सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप भी अगर सौंदर्यवान बने रहना चाहते हैं तो इस प्रयोग को एक बार अवश्य करें। इस प्रयोग से पार्वती के समान सौंदर्यवान महिला बन सकती है और भगवान शिव की तरह पौरुषत्व आपको प्राप्त हो सकता है। श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन एक पात्र में काम रूपेण गुटिका को स्थापित कर उसका पूजन करके उसके समक्ष जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उसका 31 बार जाप करें और यह जाप नियमित रूप से 5 दिनों तक करना चाहिए। ओम सम सौंदर्य साधय शिवाय नमः। मंत्र जाप समाप्ति के बाद काम रूपेण गुटिका को जल में प्रवाहित कर दें और प्रत्येक गुरुवार को अष्टगन या हल्दी या गंगा जल मिक्स करके उससे स्नान करना चाहिए, तो आपको आनंद मिलेगा और सौंदर्य प्राप्ति होगी। बढ़ते हमारे अगले प्रयोग की तरफ, रोग निवारण। आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, इलाज कराने पर भी वह खत्म या बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही है और उसके कारण पूरा परिवार भी परेशान रहता है। इस प्रकार के रोग से बचने के लिए या उस रोग की निवृत्ति या उसे कम करने के लिए जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं उसे करिए। श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन एक पात्र में, यानी भगोला आप कोई परात ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, उसमें मंत्र सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित कर उसके समक्ष घी का दीपक लगाकर इस मंत्र का जो मैं बताने जा रहा हूं उसका 51 बार 11 दिनों तक लगातार जाप करना है। ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह मृत्युंजयाय फट। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद यंत्र को घर के मंदिर में विराजमान कर दीजिए और नित्य उसका दर्शन करके ही घर से निकलें। पांचवा प्रयोग, विद्या प्राप्ति के लिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने पूजा कक्ष में श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन किसी भी पात्र में मंत्र सिद्ध विद्या प्रदायक पिरामिड स्थापित कर उसका पूजन करें और उसके समक्ष देखते हुए मन ही मन 35 मिनट तक जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उसका 15 दिन तक जाप अवश्य करना है। मंत्र क्या है कि ओम भवाय विद्याम देहि देहि ओम नमः। मंत्र जाप की समाप्ति के बाद विद्या प्रदायक पिरामिड को बच्चों की पढ़ाई की टेबल पर रख दीजिए। छठा प्रयोग है, साधनाओं में सफलता के लिए। आप हर बार साधना करते हैं लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लगती है। आप हर बार प्रयास करते हैं कि आप सफल नहीं हो पाते हैं, हर बार आप ही समझदार नहीं हो सकते, हर बार आप ही सही फैसला नहीं करते हैं। इसके कारण आप परेशान रहते हैं कि मैं इस सफलता में, इस साधना में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। कभी कभी आपके पूर्व जन्म के दोष भी होते हैं जिनकी वजह से आपको साधना में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य संपन्न करिए। सबसे पहले श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान कर उनके चित्र के समक्ष 5 बिल्व पत्र चढ़ाएं और फिर किसी पात्र में मंत्र सिद्ध गुटिका स्थापित कर उसका पूजन करें और फिर प्रार्थना करते हुए कहें कि मैं ये साधना कर रहा हूं, इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आप कृपा कर मुझे सफलता प्रदान करें और मेरी कोई त्रुटि है तो मुझे क्षमा करिए। इस प्रकार बोलते हुए 25 मिनट तक ध्यान लगाएं, वो भी ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा और पहली अंगुली को इस प्रकार मिला दीजिए। इस प्रकार यह 11 दिन तक करें जिससे कि आप जो भी साधना कर रहे हैं उसमें भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। अगला प्रयोग, अकाल मृत्यु का। यदि आपकी कुंडली में कोई योग है, आपको डर लगता है कि आपकी कोई अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या एक्सीडेंट का आपको जन्मपत्री में कोई योग है, तो असमय मृत्यु का योग
यदि बन रहा है या रोग के कारण स्वास्थ्य इतना ढल गया है कि व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है तो यह प्रयोग एक बार अवश्य ही करें। श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन किसी पात्र में मंत्र सिद्ध शिव शक्ति माला को स्थापित कर उसका पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके ऊपर 21 बिल्व पत्र चढ़ाते हुए यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए कि ओम ह्रीम मृत्युम विद्राय अकाल पुरुषाय फट। इस क्रम समाप्ति के बाद मैं शिव शक्ति माला को उस व्यक्ति को पहना दें और फिर 5 दिन तक मन ही मन इस मंत्र का जाप 20 मिनट तक अवश्य करें। 8वां मेरा प्रयोग शीघ्र विवाह हेतु। उच्च शिक्षित सुंदर कन्या होने पर या पुरुष होने पर भी उसको एक अच्छा वर या वधु नहीं मिल पा रही है। आज के इस दौर में विवाह भी एक बहुत बड़ी समस्या है और कन्या या पुरुष कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो वो अपने पिता पर बोझ स्वरूप बनी रहती है या बना रहता है और परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या होती रहती है। विवाह में बाधा विशेषकर कन्याओं के लिए ज्यादा आती है। शीघ्र विवाह के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप एक बार अवश्य इसे भी आजमाएं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन किसी पात्र में मंत्र सिद्ध शिव गौरी यंत्र को स्थापित कर उसका पूजन कर उसके समक्ष इस मंत्र का मंत्र सिद्ध साफल्य माला से 11 बार जाप अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीम विवाह बाधा निवारणाय भवोद भवाय नमः। मंत्र जाप नियमित रूप से 31 दिन तक अवश्य करें और मंत्र जाप समाप्ति के बाद साफल्य माला लड़की को अवश्य पहना दें और यंत्र को घर के मंदिर में विराजमान कर दें व विवाह के पश्चात यंत्र व माला को जल में प्रवाहित कर दें। हम सभी अपने जीवन में छोटी बड़ी किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से जरूर जुड़े हुए हैं। वो समस्याएं हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध या पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हो सकती है या फिर हमारी जन्म कुंडली में चल रही विपरीत दशा या जन्म कुंडली के दुर्योगों के आधार पर। तो आप और मैं पर्सनली मिलकर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है और क्या समाधान हो सकता है। इसी कड़ी में मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने के लिए 12 और 13 और 21 और 22 अगस्त को मुंबई शहर में। आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 9324272446 और 0222612506। साथ में गुजरात में भी आ रहा हूं जिसमें 14 अगस्त को सूरत, 15 अगस्त को बड़ौदा और 16 अगस्त को अहमदाबाद में, तो और 24 व 25 अगस्त को पूना, 26 अगस्त को गोवा। इसके लिए आपको हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 0291-519-0000। दूसरा नंबर है 9314728165 और 23 अगस्त को मैं रहूंगा नासिक महाराष्ट्र में। यहां पर संपर्क करने के लिए 9370590536 और 9372165949। तो आप सभी से पर्सनली मैं मिलना चाहता हूं और पधारिए और आप और हम मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली,
जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्म कुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुनें, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। संतान सुख और संतान से सुख, ये दो अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं। आप कई बार देखते हैं कि शादी करते हैं पर शादी चलती नहीं है, आप फैक्ट्री ऑफिस खोलते हैं पर वो चलता नहीं है, आपको नौकरी मिलती है पर वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है, संतान उत्पत्ति हुई लेकिन संतान से आपको दुख मिला, तो हर चीज के दो सुख होते हैं। उसी प्रकार अगर आपको कोई संतान है तो संतान को सुमार्ग पर लाने के लिए, संतान से सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी संतान को सदमार्ग पर लाने के लिए श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने पूजा कक्ष में मंत्र सिद्ध सर्वतोभद्र यंत्र स्थापित कर उसका पूजन कर भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारा पुत्र या पुत्री भी योग्य हो और उसे सद्बुद्धि देकर सदमार्ग पर चलने का आशीर्वचन प्रदान करें। ऐसा कहते हुए इस मंत्र का 21 बार 11 दिन तक जाप अवश्य करना चाहिए। ओम पुत्रान या पुत्रीन देही पशुपतये ओम नमः। मंत्र जाप समाप्ति के बाद सर्वतोभद्र यंत्र को घर के मंदिर में विराजमान कर दें। ये बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। जितने भी पूजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, सिद्धि साधना कोई भी होती है, उसमें सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनता है। जितने भी हमारे कर्मकांडी पंडित ये कार्यक्रम देख रहे हैं सब जानते हैं, और आप भी किसी यज्ञ में पूजा स्थान में जाएं तो आप सर्वतोभद्र चक्र देखेंगे। यह अनाज से बनता है। और अगला मेरा प्रयोग है व्यापार वृद्धि हेतु। यह देश राष्ट्र इकोनॉमी चलती है बिजनेसमैन कर्म करने वाले लोगों से। अगर किसी को व्यापार में नुकसान या घाटा हो रहा हो और वह प्रयत्न करने के बाद भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा हो, कर्ज में निरंतर डूबता जा रहा हो, तो इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। कर्ज एक अभिशाप है और कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। एक इंसान मान लीजिए 5,000 रुपए का कर्ज लेता है, कुछ टाइम के बाद वो चुका नहीं पाता है, तो अगला व्यक्ति जिसने आपको 5,000 रुपए उधार दिए थे वो आपके पीछे पड़ता है, आपको फोन करता है बार बार, तंग भी करता है, और आप उससे फिर झुंझला कर कहते हैं कि आज से हमारे संबंध खत्म, क्योंकि रुपया पिता पुत्र में झगड़ा करवाता है, पति पत्नी में झगड़ा करवा देता है, बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर भाई भाई में झगड़ा करवा दिए। तो ऐसी अवस्था में वो 5,000 रुपए चुकाने के लिए किसी से 7,000 रुपए पहले तो उधार लेता है और 5,000 रुपए वाले को वापस दे देता है, संबंध भी खत्म कर दिए और पैसा आपने जरूर चुकाए, लेकिन नुकसान में रहे दोस्त, ये सौदा आपका घाटे का रहा, क्योंकि 5 की बजाय अब 7,000 रुपए का कर्ज है और उस कर्ज के लिए आपने दोस्ती भी अपने दांव पे लगा दी और आज वो दोस्त भी आपका नहीं रहा। फिर उस 7,000 रुपए को चुकाने के लिए किसी से 10,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं और 7,000 रुपए वाले को चुकाया जाता है, वो दोस्ती भी खत्म हो जाती है कई बार और आपका कर्ज आगे बढ़ गया। तो अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। बहुत सारे हिंदुस्तान से बाहर देशों में मैंने देखा है कि बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उस क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग बड़ी आसानी से करते हैं और आपको लगता है कि पैसा तो मुझे 40-50 दिन में देना है और व्यवस्था हो नहीं पाती है, और उस क्रेडिट कार्ड पर आपका ब्याज इतना बढ़ता है कि जिससे हार्ट ब्लड प्रेशर डायबिटीज की बीमारी आपको विरासत में मिल जाती है। इसी कर्ज और इसी व्यापार की परेशानी से बचने के लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए किसी भी पात्र में।
आपको श्रावण मास के किसी भी सोमवार को मंत्र सिद्ध कुबेर यंत्र स्थापित कर उसका पूजन कर उसके समक्ष इस मंत्र का जाप 11 बार 11 दिन तक अवश्य करना है। मंत्र क्या है? ओम वम व्यापारम वर्धय शिवाय नमः। मंत्र जाप समाप्ति के बाद यंत्र को घर के मंदिर में विराजमान कर दीजिए। अगला मेरा प्रयोग है कि गृहस्थ सुख की प्राप्ति के लिए। आप देखिए कि मैं कई बार कहता हूं कि लोग कहते हैं श्रीमाली जी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो घर में जब बेटी पैदा होती है तो आप कहते हैं जी हमारे घर में लक्ष्मी आई है, या कोई आपको बधाई देता है तो कहते हैं कि बधाई हो साहब आपके घर में तो लक्ष्मी आई है। यानी कोख को भी लोग कब्रिस्तान बना देते हैं। जब कोख में लक्ष्मी आई थी, बेटी आई थी, तो आपने अबॉर्शन कर दिया। उस वक्त आपने वो कर्म करने के बाद आप लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्मी साधना आपको सफल होगी? नहीं होगी। तो ऐसे कोई भी कर्म मत करिए। आप देखिए बल सत्ता ताकत चाहिए तो आप किसकी आराधना करते हैं? माँ दुर्गा की। विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, संगीतज्ञ, कितने भी प्रकार के ज्ञान वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, वह माँ लक्ष्मी, वह माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी। और फिर रुपया पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। पुरुष के पास क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। अब देखिए कि आप जब देवी की आराधना करते हैं तो आपको घर में भी देवी का पूजन करना चाहिए। पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं करने चाहिए। जिस घर में झगड़ा होगा उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं ठहर सकती है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। मैं एक बहुत साधारण इंसान हूं। आप मुझे अपने घर में निमंत्रण देते हैं कि श्रीमाली जी मेरे घर में आप आइए, हम आपके लिए बड़ा सात्विक भोजन बनाएंगे, प्याज लहसुन भी नहीं डालेंगे। मैं आपके घर पर आता हूं, घंटी की तरफ मेरी अंगुली जाती है और अंदर से मुझे आवाजें सुनाई देती है पति पत्नी में झगड़े की, तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं गलत टाइप पर आ गया हूं, आज ये वक्त सही नहीं है। मेरे जैसा साधारण इंसान भी आपके घर में नहीं आता है तो वो माँ लक्ष्मी आपके घर में कैसे रह सकती हो? तो झगड़ा देखती भाग जाएगी कि भाई मैं झगड़ा सुनने थोड़ी आई हूं यहां पर। तो जिस घर में लड़ाई झगड़े होंगे उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। कितने ही आप व्यापार वृद्धि के उपाय कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे पुरुष है जो शराब पीकर अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, पत्नी को गाली गलौज करते हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है उस घर में या उस व्यक्ति को कहीं दुनिया में सम्मान नहीं मिल सकता है। आपके पास रुपया पैसा है, चंद दिनों तक लोग सम्मान करेंगे। देखिए उन लोगों को जाकर जिनके पास कोई जमाने में पैसा था तो लोग उनके पीछे दौड़ते थे, आज उनसे लोग कन्नी काट कर चले जाते, बात तक नहीं करते, देखते भी नहीं कि देखूंगा तो शायद हाय हेलो करेगा और उसके बाद कोई डिमांड करेगा। ऐसे लोग हैं तो ये पग पग पर आपको सिखाता है। तो अगर गृहस्थ जीवन में कोई तकलीफ है तो एक तो उसे बंद करिए, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करिए। और आजकल ज्यादातर लोग अपने परिवार में ही उलझे रहते हैं, फिर उनको मानसिक तनाव रहता है क्योंकि उनका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता है। वह रात दिन इधर उधर भटकता रहता है कि मेरे घर में शांति रहे और मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। इस प्रकार की समस्या से आप परेशान मत हों। एक बार यह प्रयोग करके तो देखिए कि भगवान शिव की कृपा से आप सुखी होते हैं कि नहीं। क्योंकि दाम्पत्य जीवन अगर सबसे बढ़िया किसी का रहा है तो भोलेनाथ शिव और माता पार्वती है। अब आशीर्वाद देते हैं तो शिव पार्वती जोड़ी का आशीर्वाद देते हैं, ना कि श्री राम और माँ सीता की जैसी जोड़ी का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने बड़े कष्ट भोगे तभी जाकर आज आप हर वर्ष दीपावली मनाते हैं और लक्ष्मीवान बनते हैं। तो जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। किसी पात्र में मंत्र सिद्ध शिव गौरी यंत्र को, और ऐसे लोगों को जो शिव गौरी रुद्राक्ष होता है वह जिसमें शिव और गौरी दोनों का वास होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष को हमेशा के लिए धारण अवश्य करना चाहिए हर गृहस्थ को। बहुत मुश्किल से मिलता है, धन भी बड़ा खर्च करना पड़ता है इसमें। इस यंत्र को स्थापित कर उसका पूजन करके उसके समक्ष जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उसका 5 दिन तक 11 बार जाप अवश्य करना है। ओम गृहस्थ सुख सिद्धये रुद्राय नमः। मंत्र जाप समाप्ति के बाद यंत्र को शिव मंदिर में चढ़ा दें या रखाएं, जिससे कि शिव कृपा से जीवन सुखी रह सके। आप सभी को रुद्राक्ष अवश्य गले में धारण करने चाहिए। हो सके तो 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। रुद्राक्ष की माला बनाकर गले में धारण करिए। सोने में नहीं बना सकते, चांदी में बनाकर पहनिए। उससे आपका मन मस्तिष्क ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, डायबिटीज, कोई तकलीफ है वो कंट्रोल में रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे ऋषि मुनि भोलेनाथ शिव रुद्राक्ष नहीं पहनते।
हर घर में शिवलिंग होना जरूरी है, वो भी चांदी या पारे का स्फटिक हो तो और भी बढ़िया है। सबसे बढ़िया होता है पारे का शिवलिंग, हो सके तो 1.25 किलो पारे का शिवलिंग अवश्य बनवाइए। बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि शमशान के वासी है, तो शमशान किसको नहीं जाना है। तो शिव तो मृत्युंजय है, वो आपको अकाल मृत्यु के भय से दूर करेंगे, वो आपकी उम्र में वृद्धि करेंगे, जरूरत से पहले आपकी मृत्यु नहीं देंगे। तो हम रोज उनका पूजन करेंगे तभी तो हमें भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे, तो घबराइए मत। लोग कहते हैं कि एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान को एक घर मान लें तो यहां पर फिर 12 ज्योतिर्लिंग की क्या जरूरत थी बताइए, जब एक देश में 12 ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं तो एक घर में 2-4 शिवलिंग नहीं हो सकते हैं। किसी किताब किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, कि मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। और हो सके तो चांदी का शिवलिंग बनवाइए, 3.5 या 4.25 किलो चांदी का, जिसमें नाग बनेगा, त्रिशूल बनेगा, डबरू बनेगा, शिव परिवार बनेगा, वो जरूर हर घर में होना चाहिए, तो शिव कृपा बनी रहेगी, गृहस्थ जीवन सुखी होगा, लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप सभी भक्तों को शिष्यों को मेरा आशीर्वाद और इस श्रावण मास के विशेष अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में शांति बनाए रखें तो सुख और समृद्धि दौड़ी चली आएगी, शांति नहीं होगी तो सदैव के लिए ये शांति और सुख चला जाएगा। तो आज के लिए बस, मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम सभी अपने जीवन में छोटी बड़ी किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से जरूर जुड़े हुए हैं। वो समस्याएं हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध या पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हो सकती है, या फिर हमारी जन्म कुंडली में चल रही विपरीत दशा या जन्म कुंडली के दुर्योगों के आधार पर। तो आप और मैं पर्सनली मिलकर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है और क्या समाधान हो सकता है। इसी कड़ी में मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने के लिए 12 और 13 और 21 और 22 अगस्त को मुंबई शहर में। आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 9324272446 और 02-2612-5060। साथ में गुजरात में भी आ रहा हूं, जिसमें 14 अगस्त को सूरत, 15 अगस्त को बड़ौदा और 16 अगस्त को अहमदाबाद में, तो और 24 व 25 अगस्त को पूना, 26 अगस्त को गोवा। इसके लिए आपको हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 02915190000। दूसरा नंबर है 9314728165 और 23 अगस्त को मैं रहूंगा नासिक महाराष्ट्र में। यहां पर संपर्क करने के लिए 9370590536 और 9372165949। तो आप सभी से पर्सनली मैं मिलना चाहता हूं और पधारिए और आप और हम मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं। श्रावण मास में संपन्न करें शिव कुबेर साधना। यदि आपके घर में क्लेश, दाम्पत्य जीवन में कटुता, तनाव, परेशानियां, साथ ही व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ व्यापार में हानि या फिर तंत्र बाधा के जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। इस विशेष मास में आप परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी द्वारा विशेष रूप से मंत्र सिद्ध शिव कुबेर साधना द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साधना पूजन पैकेट में आप पाएंगे शिव कुबेर यंत्र, शिव कुबेर कलश, शिव तांत्रोक्त गुटिका, शिव रूपेण मणिया, शिव रूपेण माला व अष्टगंध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 9314728165।